यूपी के जनपद संभल के चंदोसी तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में लगातार पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। सबसे ज्यादा जरूरत डीजल की किसानों को होती है, जिसके कारण किसान बहुत ही परेशान है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ समय पहले बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर चूड़िया दिखाई थी, लेकिन आज वह कहाँ छिपी बैठी हैं। अगर ऐसे ही देश में महंगाई बढ़ती रही तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो जाएगी, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी पार्टी होगी। दाम बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल, उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनके जब स्मृति ईरानी थी महंगाई बढ़ी, चूड़ी उन्होंने दिखानी शुरू कर दी, सिलेंडर लेके वो सड़कों पर बैठ गई। आज वो है कहाँ? आज उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि देश का किसान बाहर बैठा हुआ है, उनके पास कुछ भी नहीं है कि जाकर उनकी हालत पूछें। वो सब तो छोड़िए, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, पानी के लिए तक मरते हुए आपने देखे ही होंगे अभी, मगर उन्हें बिल्कुल सुध लेने की नहीं है कि हम थोड़ी बहुत उनसे पूछें, जाके उनकी तकलीफें देखें। क्या इसी दिन के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था? अच्छा मैडम, एक बात बताइए,